स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छाभय क्रोधा यशदा मुक्त वशा एछाड़ा अष्टांग योग ताहा बोली सुनो अभ्यास जहार हाय अतीब त्रिगुण शब्द स्पर्श रूप रस आर जाहा गंध बहिर्बाह्य करि राखे ना राखि सम्बन्ध चक्षुषे भूमध्ये राखिया निश्चल प्राणपान वायु धरि नाशा अभ्यंतर नासिकार अग्रभाग केवल दर्शन उत्तम प्रक्रिया से योगेर साधन इंद्रिय संयम से योग प्रकरण मन बुद्धि द्वारा मुनि मोक्ष परायण से भावे जीवित इच्छा भयार क्रोध युक्त है से पुरुष संयत निरोध मन थेके बाह्य इंद्रियर विषय प्रत्याहार करे भ्रुजगलर मध्य दृष्टि स्थिर करे नासिकार मध्य विचरणशील प्राण ओ अपान वायुरुद्ध ओ अधोगति रोध करे इंद्रिय मन ओ बुद्धि संयम करे एवं इच्छा भय ओ क्रोध शून्य हये जे मुनि सर्वदा विराज करें तिनि निश्चित भावे मुक्त। तात्पर्य भक्ति योगे भगवानेर सेवाय नियोजित होले अचिरेई स्वरूप उपलब्धि हय। भक्तिर माध्यमे भगवान के जाना जाए निष्ठार संगे भक्तियोग साधन करार फले कृष्ण भक्त अपराकृत स्थिति लाभ करे तार कर्मेर गंडीते भगवान उपस्थिति अनुभव करार योग्यता अर्जन करें। ए विशेष अवस्था के ब्रह्म निर्माण बला है। ब्रह्म निर्माण सम्बन्धे उपरोक्त सिद्धांत प्रतिपादन करार पर भगवान अर्जुन के अष्टांग योग जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अभ्यास करार माध्यमे किभावे स्तरे उन्नीत हवा जाए से सम्बन्धे उपदेश दिए षष्ठ अध्याय योगेर विशद व्याख्या करा हुए छे ताई पंचम अध्याय शेषे एखाने केवल तार अवतारणा करा हुच्छे। योगेर प्रत्याहार पद्धतिर माध्यमे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध एई इंद्रियज विषयगुलिके परित्याग करे दुई भ्रूर मध्ये दृष्टि निबद्ध करे अर्ध निमिलित नेत्रे नासिकाग्रे एकाग्र करते हैं। एखाने सम्पूर्ण भावे चोख बंद करते निषेध करा हुए छे कारण ताहले घुमिए पड़ार सम्भावना थाके। सम्पूर्ण भावे चोख खुले रखतेओ निषेध करा हुए छे कारण ताहले इंद्रिय विषयेर प्रति आकृष्ट हवार भय थाके। देहेर अभ्यंतरे प्राण ओ अपान वायुके रोध करार फले नासिकार अभ्यंतरे श्वास प्रश्वासेर क्रिया नियंत्रित हय। एभावे अभ्यास करार फले इंद्रिय विषय परित्याग करे इंद्रिय बेग दमन करा सम्भव है एवं तार फले साधक ब्रह्म निर्वाण लाभ करते सक्षम हन। ये योग पद्धति सब रकम भय क्रोध आदि थेके मुक्त करते सहाय्य करे एवं एभावेई अप्राकृत शुद्ध सत्यमय अवस्थाय परमात्मार उपस्थिति अनुभव करा जाए। तबे कृष्ण भावनामृते हच्छे योग साधन करा सबचेये सहज और साबल्य पंथा। परवर्ती अध्याये ता विशदभावे व्याख्या करा हबे। कृष्ण भावनामय भक्त सर्वदाय भगवत सेवाय नियोजित ताई तार इंद्रियगुली अन्य कोनो विषये प्रवृत्त होते पारे ना। सुतरां इंद्रिय संयम करार जन्य अष्टांग योगेर चेये भक्ति योग अधिक उत्तम।